शिव जी के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती विशेष रूप से की जाती है। ये प्राचीन परंपरा है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भस्म क्यों अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है अघोरी मैक्स। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पर भस्म। भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी है। भगवान शिव जितने सरल है उतने ही रहस्यमय भी है। भोलेनाथ का रहन सहन, आवास, गण आदि सभी देवताओं से एकदम अलग है। शास्त्रों में एक और जहां सभी देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप निराला ही बताया गया है। शिव जी सदैव मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल धारण किए रहते हैं और शरीर पर भस्म यानी कि राख लगाए रहते हैं। शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युग यानी कि त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलियुग के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। ये क्रिया अनवरत चलती रहती है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिव जी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जानी है। आइए जानते हैं कैसे तैयार की जाती है भस्म। शिव पुराण के लिए अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिव जी को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान भी धारण करता है तो वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म यानी राख से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाएंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भस्म की ये विशेषता होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम भी करती है। शिव जी का निवास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जहाँ का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने में भस्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने वाले शिव संदेश देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहाँ जैसे हालात बनते हैं हमें भी स्वयं को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा अभी आपने देखा कि क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पर भस्म। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी दुनिया भर के ऐसे रोमांच भरी और विचित्र तथ्य और कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए अघोरी मैक्स।